आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास है TVS Victor न्यू मॉडल की बाइक है। जो बाइक आप देख पा रहे हैं, इस बाइक में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे अगर आपकी बाइक की जो माइलेज है और दोस्तों आ नहीं रही है तो आपको क्या क्या चेक करना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे इस TVS Victor न्यू मॉडल बाइक में, तो हमने क्या क्या काम किया ये भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। इसमें अभी तक हमने क्या क्या काम कर लिया और क्या क्या करना है अभी हम आपको बता देते हैं। अभी इसमें हमने क्या क्या काम कर लिया है TVS Victor बाइक में, तो हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों। इसमें जो प्रॉब्लम थी ना वो थी एवरेज रिलेटेड और पिकअप नहीं थी इस बाइक में, तो इसमें हमने ब्रेकिंग का भी काम किया। इसका जो ब्रेक है, ब्रेक फ्रंट रियर बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, व्हील जाम चल रहा था और इसका जो टैपेट है, टैपेट टाइट हो गया था दोस्तों। एयर फिल्टर इसका ख़राब है तो एयर फिल्टर भी हम कर रहे हैं चेंज इसमें, तो आपको बताना चाहेंगे अगर आपके बाइक में एवरेज की प्रॉब्लम आ रही है, माइलेज नहीं आ रही है, आप चला रहे हैं कम एवरेज दे रही है, तो आपको इसका जो टैपेट है, टैपेट की सेटिंग कराएं। टैपेट सेटिंग करने के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं हेड कवर लगाया गया है, इसको रिमूव करके इसकी जो टैपेट है उसकी सेटिंग आपको करानी पड़ती है। तो ये जो काम है दोस्तों मैकेनिक का होता है, जब भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलता है आप किक लगा रहे हैं और किक फ्रीज आ रही है, तो आपको इसका जो टैपेट है मैकेनिक के पास ले जाकर चेक कराएं। अगर आपके बाइक का जो टैपेट है दोस्तों टाइट हो जाता है तो आपको बता देते हैं इसका जो किक का प्रेशर है दोस्तों, किक का प्रेशर देखने को मिलेगा। इसका जो किक है बिल्कुल फ्री जाएगी, TVS Victor या कोई भी बाइक है, इसमें जो टैपेट था बहुत ही ज़्यादा टाइट था, तो हमने टैपेट की सेटिंग कर ली है और जो किक प्रेशर है दोस्तों इसमें आ गया है किक प्रेशर, और इसमें जो प्रॉब्लम थी बंद होने की वो सॉल्व हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि आपकी बाइक का जो टैपेट है वो बिल्कुल ठीक है और फिर भी एवरेज नहीं दे रही है और पिकअप की प्रॉब्लम आ रही है, भाग नहीं रही है, तो आपको इसका जो डायफ्राम रबड़ है उसको चेक कराना है। अगर डायफ्राम रबड़ आपके बाइक का कार्बोरेटर का फट जाता है, लीक कर जाता है, तो आपको डायफ्राम रबड़ चेंज कराना है। अगर आप नहीं चेंज कराते हैं दोस्तों तो एवरेज की प्रॉब्लम आएगी और पिकअप की प्रॉब्लम आएगी, तो आप डायफ्राम रबड़ का ध्यान रखें, अगर ख़राब है तो आप चेंज करा लें। और इसका जो कार्बोरेटर है इसको आपको अच्छी तरीके से क्लीनिंग करानी पड़ती है, अगर स्लो रनिंग नहीं रुक रही है दोस्तों तो आपको स्लो जेट भी चेक कराना पड़ता है। हमने सेटिंग कर लिया है कार्बोरेटर का, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके स्पार्क प्लग का। अगर आपके बाइक का जो स्पार्क प्लग है ख़राब हो जाता है तो आपकी बाइक में मिसिंग की प्रॉब्लम आएगी, स्टार्टिंग की दिक्कत आएगी, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके एयर फिल्टर का। अगर आपके बाइक का जो एयर फिल्टर है दोस्तों चोक हो जाता है, इसमें मिट्टी जम जाती है, तो आपको इस एयर फिल्टर को चेंज करा लेना है। अगर आप चेंज नहीं कराएंगे दोस्तों तो आपको प्रॉब्लम क्या क्या आती है वो हम आपको बता देते हैं। तो पिकअप से रिलेटेड दिक्कत आएगी, जब आप फुल थ्रोटल लेंगे दोस्तों तो इंजन का जो साउंड है खुल के नहीं आता है, तो ब्लैक स्मोक करती है, दबती है, मतलब कि जब आप थ्रोटल लेते हैं, ठीक है। इसका जो एयर फिल्टर है दोस्तों हल्की क्वालिटी का पहले इसमें फिटिंग किया गया था, तो इसमें हम TVS कंपनी का ओरिजिनल फिल्टर फिटिंग करेंगे TVS Victor का। तो देख सकते हैं फिल्टर को हम चेंज कर रहे हैं दोस्तों, तो इसमें हमने जो प्लेट है एयर फिल्टर का इसको लगा लिया था दोस्तों, एयर फिल्टर निकाल लिया था पुराना, क्योंकि इसका जो है हमने किया वाटर वॉश पूरी बाइक को, तो हमने प्लेट लगा लिया, नहीं तो पानी जाता। एयर फिल्टर आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास न्यू एयर फिल्टर है, TVS कंपनी का जेन्युइन एयर फिल्टर है, तो इसकी MRP भी हम आपको चेक करा देते हैं दोस्तों। जब भी आप TVS Victor का एयर फिल्टर परचेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पार्ट नंबर दिया गया है और इसकी जो MRP है आपको दिखाते हैं, 237 रुपये इसकी MRP देखने को मिलता है। अगर आपके बाइक TVS Victor न्यू मॉडल का जो एयर फिल्टर है चोक हो जाता है तो अगर आप परचेस करने जाते हैं दोस्तों तो आपको 237 रुपये इसकी MRP देखने को मिल जाता है। फिल्टर होल्डर देख सकते हैं कॉम्प, यहाँ पर लिखा गया है कॉम्पोनेंट TVS का ओरिजिनल एयर फिल्टर है, ठीक है जी। इसको हम कर लेंगे इस एयर फिल्टर बॉक्स में फिटिंग। आपके बाइक का अगर एयर फिल्टर ख़राब होता है दोस्तों, जब भी आप एयर फिल्टर न्यू डलाते हैं तो आप ध्यान रखें ओरिजिनल होना चाहिए एयर फिल्टर, और अगर आप ओरिजिनल नहीं डलाते हैं दोस्तों तो इसका जो पिकअप से रिलेटेड दिक्कत है वो सॉल्व नहीं होता है। तो इसमें हम ओरिजिनल एयर फिल्टर डाल रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके ब्रेक का। तो इसका जो ब्रेक पैडल देख पा रहे हैं दोस्तों, ब्रेक पैडल में प्रॉब्लम आ गया था। इसका ब्रेक पैडल बहुत ही ज़्यादा ऊपर रहता था, मतलब कि जब आप फुटरेस्ट पे पैर रखकर इसको चलाते थे ना, तो इसका जो ब्रेक है उसको दबा रहता था। इसमें हमने अभी इसमें वेल्डिंग कर दिया है, उसको भी हम आपको चेक कराते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं इसका जो ब्रेकिंग है ना दोस्तों, ब्रेक पैडल बहुत ज़्यादा ऊँचा जाता है और आप जब फुटरेस्ट पे पैर रखेंगे तो पैर आपका ऊपर ही रहेगा, मतलब कि ब्रेक के ऊपर ही, तो उससे ब्रेक जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइट है, जब आप ब्रेक इसके ऊपर पैर रख देंगे दोस्तों तो ब्रेक लगने के कारण इसका व्हील भी जाम चलेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ब्रेक पैडल ऊपर नहीं होना चाहिए, अगर ऊपर है तो आप इसको ब्रेक पैडल को सेट करा सकते हैं, सेट हो जाता है। तो इसमें जो प्रॉब्लम थी दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हमने नट वेल्डिंग किया, उसे यहाँ पर रबड़ लगता है, तो हमने इसका जो नट है वेल्डिंग कर लेने के बाद इसका ब्रेक पैडल देख सकते हैं बिल्कुल सेट कर दिया है। अगर आप ब्रेक पैडल सेट नहीं कराते हैं तो दोस्तों इसका जो व्हील है वो जाम चलाएंगे आप, न्यूट्रल चलेगी नहीं, पिकअप में दिक्कत आएगी,
आप इसका जो व्हील है, व्हील चेक करें दोस्तों, ब्रेक में फिले होनी चाहिए और जो व्हील है बिल्कुल फ्री होना चाहिए। तो हमने रियर व्हील से रिलेटेड इसका जो वर्क है उसको कर लिया है। बात करते हैं दोस्तों इसके फ्रंट ब्रेक का। फ्रंट ब्रेक में हमने वर्क किया, इसका जो ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग पहले इसकी ठीक नहीं थी। फ्रंट ब्रेक जब दबाता था दोस्तों तो रिवर्स नहीं आता था लीवर, इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। इसका वायर ख़राब हो गया था, वायर चेंज किया और लुब्रिकेंट्स भी कर दिया है हमने। TVS विक्टर का जो फ्रंट लीवर है और इसका जो क्लच है, क्लच भी हमने सेटिंग किया दोस्तों। क्लच इसका बहुत ज़्यादा लूज था और क्लच में जो है प्ले था, तो हमने जो ऊपर नीचे का प्ले होता है उसको भी सेट कर दिया है। तो इसमें जो प्रॉब्लम थी सॉल्व कर लिया है दोस्तों। जैसे कि हमने आपको बता दिया, अगर आपके बाइक में पिकअप की प्रॉब्लम आ रही है और इसमें प्ले लीवर में है तो उसको आप सॉल्व करा सकते हैं मैकेनिक के पास जाकर। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, दोनों लीवर में काफ़ी ज़्यादा प्ले आ गया था, तो सॉल्व कर लिया गया है। और इसमें फ्रंट ब्रेक शू डाल दिया, ब्रेक की केबल आप देख सकते हैं न्यू डाला गया है, क्योंकि ब्रेक की प्रॉब्लम अगर आपके बाइक में आ रही है और आप जब ब्रेक लगाते हैं दोस्तों सही ढंग से, इसका जो ब्रेक केम है रिवर्स नहीं होता है और जाम रहता है ब्रेक लगाने पर, तो आप इसका फ्रंट ब्रेक केबल और ब्रेक केम चेक कराएं, ठीक है। ब्रेक शू भी चेक कराना पड़ता है। बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक का दोस्तों। तो फ्यूल टैंक में हम करेंगे रबिंग और इसका जो कलर है आप देख सकते हैं मैट हो गया है और स्क्रैचेस भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके जो टेल पैनल है लगा हुआ है दोस्तों, साइड पैनल, टैंक की सारे को किया जाएगा रबिंग, ठीक है। रबिंग भी हम करते हैं, अगर आपके बाइक में स्क्रैचेस काफ़ी ज़्यादा आ गया है दोस्तों तो आप मेरी शॉप पर आकर रबिंग करा सकते हैं। हम आपके बाइक का जो रबिंग और पॉलिशिंग होता है अच्छी तरीके से हम कर देंगे 3mm पॉलिश से, ठीक है, रबिंग करेंगे। बाइक से रिलेटेड जब भी आप वर्क कराते हैं दोस्तों तो आपको छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान देनी पड़ती है। तो जब हमारे पास बाइक आ जाती है दोस्तों तो हम सारा जो बाइक के चेक करने का आइटम होता है सारा चेक कर लेने के बाद बाइक हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं। तो बाइक में जो वर्क था वो हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। अभी इसमें जो छोटा छोटा वर्क है दोस्तों उसको भी हम कर लेते हैं। इसके बाद हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं TVS विक्टर का। जैसे कि हमने आपको बताया इसमें हम रबिंग भी करेंगे तो आपको इसका जो हैंडलिंग वगैरह है दोस्तों उसको भी चेक कराना पड़ता है। तो इसमें जो वर्क है उसको कर लेते हैं कम्प्लीट और आपको TVS विक्टर कम्प्लीट करके हम दिखाते हैं। फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं हमने TVS विक्टर को कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि आपने देखा इसमें हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है, माइलेज से रिलेटेड दिक्कत थी, जो जो वर्क था उसको कंप्लीट कर लेने के बाद दोस्तों इसमें हमने रबिंग पॉलिशिंग, जैसे कि आपको बताया हमने रबिंग पॉलिशिंग किया। इसमें जो फ्यूल टैंक है दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस था पहले देखने में, अब इसका जो फ्यूल टैंक है काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस गायब हो गया और इसमें काफ़ी ज़्यादा शाइन इस TVS विक्टर में देखने को मिल रहा है। तो अगर आप रबिंग कराना चाहते हैं दोस्तों तो अगर आप मेरे पास रबिंग करा सकते हैं बाइक का। तो इसमें जो प्रॉब्लम थी दोस्तों वो थी जब हम बाइक को स्टार्ट करते थे ना, तो बाइक जो है दोस्तों थ्रोटल लेने पर बंद हो जाती थी और जब सोलो इसका बढ़ा देते थे मतलब कि स्पीड, तो उस ऊपर स्पीड करती थी। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, बाइक स्टार्ट कर लिया है आप देख सकते हैं। और इसमें जो प्रॉब्लम थी थ्रोटल लेने के बाद दोस्तों जब छोड़ते थे तो बंद होती थी, अगर आप इसका जो रेस है उसको बढ़ा देते थे तो ओवर स्पीड मारती थी। प्रॉब्लम सॉल्व है जब थ्रोटल हम ले रहे हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसका जो रेस है तुरंत डाउन हो रही है, ठीक है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व है। अगर आपकी बाइक में इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है तो आप कुछ इस तरीके से, जैसे हमने आपको बताया, आप मैकेनिक के पास जाकर चेक करा सकते हैं अपनी बाइक को। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। जैसे कि हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया TVS विक्टर बाइक में एवरेज नहीं आ रही तो आप इस तरीके से सॉल्व करा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने से दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।